अब हम एक स्पीड इंक्रीज करके 60 प्लस की स्पीड लेके आते हैं यहाँ पे। फिफ्थ गियर लगा लिया मैंने, 70 की स्पीड आ गई है, 70 प्लस की स्पीड है, स्पीड ब्रेकर आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको स्पीड ब्रेकर में किस तरह से हमें कार को कंट्रोल करना चाहिए, हमारा क्लच का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, गियर डाउनशिफ्ट कैसे करना चाहिए, हम किसी स्पीड में है सपोज और हमारे सामने स्पीड ब्रेकर आता है तो हमें हमारी कार को कंट्रोल कैसे करना चाहिए और किस तरह से हमारा गियर शिफ्टिंग या कंट्रोल्स का मूवमेंट होना चाहिए, हमारा फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। क्योंकि स्पीड ब्रेकर में क्या होता है, कार जब ड्राइव कर रहे होते हैं क्रॉस करने के समय, या तो फिर आपकी कार बंप होते हुए क्रॉस होती है या बंद हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कैसे करें, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में ये डिस्कशन करने वाला हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे और बैक टू बैक मैं आपको हर स्पीड ब्रेकर में कंट्रोल सिखाऊंगा, या कार की स्पीड स्लो होगी तो कैसे कंट्रोल करना चाहिए, या कार की स्पीड हाई होगी अचानक से स्पीड ब्रेकर आएगा तो कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में सारे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसमें स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्पीड में कैसे कंट्रोल करना चाहिए या फिर कार जब स्लो होती है तब हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए हमारी कार को, और हमें स्पीड ब्रेकर क्रॉस कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, एक स्पीड ब्रेकर है, बहुत ही छोटा सा है, तो हमारी कार का मूवमेंट, फुट मूवमेंट देखिए, मेरे क्लच का रिलीज जब मैं करूंगा, अभी मैं सेकेंड गियर में आ गया हूँ, आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो कार की स्पीड क्या, अभी 20 है, स्पीड स्लो है, तो स्पीड ब्रेकर अगर छोटा है, ये देखिए सामने वाला स्पीड ब्रेकर छोटा है, तो मैं सेकंड गियर में हल्की सी ब्रेक अप्लाई की है, कार की स्पीड 10 आ गई थी, तो मैंने सेकंड गियर में ही कार को आगे बढ़ा लिया है। ये चीज हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे कार जो आगे स्पीड ब्रेकर आया था बहुत ही स्टीप नहीं था, एकदम छोटा सा था और स्लोप सा भी होता है, तो उसमें भी वैसे ही हम ड्राइव करते हैं या वैसे ही हम निकालते हैं कार को, हमें क्लच प्रेस करके स्लो डाउन करने की नीड नहीं है, स्लो डाउन करने की नीड है लेकिन क्लच प्रेस करने की नीड नहीं है क्योंकि हम डाउन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड गियर में है, स्लो मूविंग है। अगर हमारी कार की स्पीड होती जो अभी आगे चल के मैं दिखाने वाला हूं आपको, अभी देखिए कार की स्पीड मैं इंक्रीज कर रहा हूं, मेरे को आगे स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, कार की स्पीड इंक्रीज की मैंने, 30 प्लस आ गई, थर्ड गियर भी अप्लाई कर लिया है और 40 प्लस की स्पीड है मेरे कार में। अभी मैं फोर्थ गियर अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं हेडिंग कर रहा हूं आगे स्पीड ब्रेकर पे, तो मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया। पहला पॉइंट यही है, आपने एक्सीलेटर को रिलीज करना है जैसे ही आपको स्पीड ब्रेकर दिखता है, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी है क्योंकि यहां दो स्पीड ब्रेकर है। जैसे मेरी कार ऑलमोस्ट पहुंच गई है, मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, ये देखिए धीरे से फर्स्ट गियर मूव, फर्स्ट स्पीड ब्रेकर मूव किया, फिर सेकेंड गियर स्पीड ब्रेकर मूव किया, मैंने क्लच का मूवमेंट देखिए, मैंने रिलीज किया फिर से प्रेस किया, तो इस तरह से हम क्या है स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर सकते हैं। फर्स्ट गियर में हमें धीरे से क्लच को रिलीज करना है, फिर से प्रेस करना है ताकि हमारा कार जो है एक बार स्मूथली ऊपर की तरफ जाए, फिर से जो सेकंड स्पीड ब्रेकर आ गया था तो उसलिए फिर मैंने क्लच को वापस से धीरे से रिलीज किया कि हल्की सी पावर प्रोवाइड हो और वापिस से क्रॉस हो जाए। वापिस से हमें जब कार का जब स्पीड ब्रेकर हम क्रॉस, फ्रंट व्हील जो हो चुका होता है उसके बाद भी हमें कार को कंट्रोल में रखना होता है, नहीं तो क्या होगा, पीछे वाला व्हील जब स्पीड ब्रेकर तक पहुंचेगा तो आपकी कार पीछे से उछल जाएगी या फिर आप कह सकते हैं कि बम्प होगी, तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, क्लच को फिर से प्रेस करके कार को कंट्रोल में लाना है वापस से। अभी मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, यहाँ से आगे यू टर्न लूंगा तो स्पीड ब्रेकर फिर एक और आएगा, अभी यहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ, ये देखिए फर्स्ट गियर लगाया मैंने, यू टर्न ले लिया हूँ, अभी मैं सेकंड गियर से थर्ड गियर लेके जा रहा हूँ, फिर से मैंने स्पीड इंक्रीज की है, अब फोर्थ गियर भी लगा लेता हूँ क्योंकि मैं स्पीड में लेके जाने वाला हूँ, और एकदम पास में जब मेरे को अचानक से स्पीड ब्रेकर, ये देखिए अभी अचानक से मेरे को स्पीड ब्रेकर दिखा तो मैंने ब्रेक लगानी स्टार्ट कर दी, मेरी कार स्लो डाउन हो गई है, मैं फोर्थ गियर से सीधा क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा लूंगा। जैसे ये देखिए फर्स्ट गियर फ्रंट व्हील जैसे ही क्रॉस हुआ, एक्सीलेटर क्लच को मैंने रिलीज किया था, फिर से प्रेस किया था ताकि मेरा पीछे का व्हील्स भी निकल जाए, तो जैसे ही मेरा फ्रंट व्हील निकल गया उसके बाद मैंने कार को वापस से कंट्रोल किया क्लच प्रेस करके, जिससे कि मेरा पीछे का व्हील्स निकल जाए। अब मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा, जैसे ही मैं
स्पीड ब्रेकर तक पहुंचता हूं तो मेरा फुट मूवमेंट कैसा होता है ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करना होता है। डाउन शिफ्ट करने के बाद क्या है, फिर भी आपका फुट मूवमेंट जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, आपकी कार बंद होने के चांसेस होते हैं, तो बंद नहीं करना, कैसे नहीं करना होता है वो, क्योंकि आपके क्लच का अगर कंट्रोल अच्छा होगा तो आपकी कार बंद नहीं होगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्लच का कंट्रोल करना कैसे चाहिए। बाइटिंग पॉइंट पे आपको कंट्रोल रखना है अपने फुट को। अभी देखिए मैं 40 की स्पीड में हूँ, स्पीड ब्रेकर तक पहुंच चुका हूँ, मैं ब्रेक अभी तक अप्लाई नहीं किया हूँ। अब मैंने ब्रेक अप्लाई की है ताकि मेरी कार स्लो डाउन हो जाए। ये देखिए मैं कंप्लीट स्टॉप कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लच को पूरी तरह से रिलीज करता हूँ तो मेरा कार बंद हो जाएगी। देखिए मैंने क्लच को कंट्रोल में रखा है ताकि मेरा पीछे का व्हील्स भी क्रॉस हो सके। ये मैंने बहुत ही स्लोली स्पीड ब्रेकर से क्रॉस की है अपनी कार को, ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि हमारा फुट मूवमेंट कैसा होना चाहिए। अब हम एक स्पीड इंक्रीज करके 60 प्लस की स्पीड लेके आते हैं। यहाँ पे 60 प्लस की स्पीड ऑलमोस्ट आ गई है, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा तो मैं दिखाता हूँ। फिफ्थ गियर लगा लिया मैंने, 70 की स्पीड आ गई है, 70 प्लस की स्पीड है, स्पीड ब्रेकर आ चुका है। मैं ये देखिए ब्रेकिंग अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी है मैंने, स्पीड ब्रेकर पहुंचते कार स्लो हो गई है। मैंने फिर से फर्स्ट गियर डायरेक्टली लगाया, ये देखिए फ्रंट व्हील गया, फिर क्लच को रिलीज किया, वापस प्रेस किया, क्लच को रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। अब मेरा फुट मूवमेंट देखिए, मैंने एक्सीलरेटर इस बार प्रेस ही नहीं किया था। तो हमारी कार क्या है, स्लोली हमने मूव कर ली है स्पीड ब्रेकर पे। पहले जो फ्रंट व्हील क्रॉस हो गया उसके बाद मैंने क्लच से ही कंट्रोल किया है कार को, ताकि मेरी कार जो है स्मूथली पीछे वाला व्हील्स भी निकल जाए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हमें जब हम स्पीड में भी होते हैं, स्पीड ब्रेकर में जब हम स्पीड में होते हैं, तो हमारी कार को सबसे पहले हमें स्पीड को स्लो डाउन करना होता है। स्पीड स्लो डाउन होते ही हमारा क्लच प्रेस होके गियर डाउन शिफ्ट हो जाना चाहिए, तब तक हम क्या स्पीड ब्रेकर तक पहुंच चुके होते हैं। ये देखिए अब हम स्पीड जब डाउन करेंगे, ये मैंने ब्रेक अप्लाई करना, अब ये देखिए ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, स्पीड ब्रेकर तक पहुंच गए हैं। क्लच प्रेस करके मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई किया, अब मेरी कार कंप्लीट स्लो डाउन हो गई है। अब मैं क्लच से ही कंट्रोल कर रहा हूँ, ये देखिए मेरी कार धीरे से क्रॉस हो गई है स्पीड ब्रेकर पे। तो इस तरह से करने से हमारी कार का जो है कंट्रोल, हमारा क्लच से कंट्रोल रहता है, कार कंट्रोल में रहती है क्लच से। तो इस तरह से ही हम कंट्रोल करते हैं स्पीड ब्रेकर में अपनी कार को। तो आपने नोटिस किया कि कितना कैसा फुट मूवमेंट होना चाहिए, हमें स्पीड को स्लो करते हुए किस तरह से क्रॉस करना चाहिए। और हमारी अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो हमें ब्रेकिंग पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी कार की स्पीड डाउन आ जाए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा कि स्पीड ब्रेकर में हमें किस तरह से कार को कंट्रोल करना चाहिए। डबल स्पीड ब्रेकर आता है तो कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और सिंगल स्पीड ब्रेकर स्लो छोटा होता है अगर, तो हम नॉर्मल स्पीड में सेकेंड गियर में भी कार निकाल सकते हैं। देखिए अभी सेकेंड गियर में मेरी कार है, मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, 10 की स्पीड आ गई। ये देखिए आराम से हम अपनी कार को हल्का सा ब्रेक अप्लाई करके स्लोली भी मूव कर सकते हैं। जब छोटा स्पीड ब्रेकर सिंगल स्पीड ब्रेकर होता है, स्टीप नहीं होता, तो हम कार को कंट्रोल करके बिना क्लच प्रेस किए या डाउन शिफ्ट किए, सेकेंड गियर में है तो आराम से हम बिना डाउन शिफ्ट या क्लच प्रेस किए इजली निकाल सकते हैं। यही अगर स्टीप स्पीड ब्रेकर होगा तो हमें सेकेंड गियर से भी फर्स्ट गियर लगाना होगा, डाउन शिफ्ट करना कंपलसरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।